जय माता दी। मेरे किचन में आप लोगों का स्वागत है। नवरात्र के शुभ अवसर पे आज हम बनाएंगे नो अनियन नो गार्लिक वाली रेसिपी। आइए हम शुरू करें। आज हम बनाने जा रहे हैं समा के चावल का चिल्ला, जिसको हम व्रत वाले चावल भी कहते हैं। अब हम डालेंगे समा चावल का आटा। समा चावल व्रत वाले चावल ही होते हैं। सेंधा नमक, ये व्रत का नमक होता है। इसके बाद हम डालेंगे जीरा पाउडर, काली मिर्च, धनिया, हरी मिर्च, हम डालेंगे इसके अंदर पनीर, हम डालेंगे इसके अंदर पानी, हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 3 से 5 मिनट का रेस्ट देंगे। जब तक हमारा बैटर रेडी होता है चिल्ले का, तब तक हम अपना रायता तैयार करते हैं। दही को अच्छे से फैट लेंगे पहले। जीरा पाउडर, सेंधा नमक, काली मिर्च। अब हम डालेंगे अपने दही के अंदर खीरा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको डालेंगे फ्रीजर में। 5 मिनट रेस्ट के बाद हमारा बैटर की कंसिस्टेंसी अब आप देख सकते हैं। 1 चम्मच देसी घी। अब हम डालेंगे इसके ऊपर 1 करछी अपने चिल्ले का बैटर। अब हम डालेंगे तेल। अब हम इसको 1 से 2 मिनट एक साइड पे पकने देंगे, फिर उसके बाद उसको हम पलटेंगे। अब हमने इसको पलट दिया है। अब आप देख सकते हैं इसका कलर कैसा आया पलटने के बाद। अब हम इसको टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे ताकि जो उसका टिश्यू है सारा ऑयल अब्सॉर्ब कर ले। अब बारी है प्लेटिंग की। आइए अब हम प्लेटिंग शुरू करते हैं। मैंने अब आप लोगों को समा के चावल का चिल्ला बनाना सिखा दिया है। हम इसको हरे धनिया की चटनी और इमली की चटनी के साथ खा सकते हैं। इन दोनों चटनियों में मैंने सेंधा नमक डाला है। अब बारी है टेस्टिंग की। सिंपल स्वादिष्ट व्रत में बनने वाली रेसिपी मैंने आपको बना के सिखा दी है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। घर पे बनाइए और मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग करिए। माय इंस्टाग्राम आईडी इज लिंक ओवर हियर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय यूट्यूब वीडियोस। थैंक्स फॉर ऑल। जय माता दी।